फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ मशरूम बटर मसाला की ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए ये मशरूम बटर मसाला की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। बटर मशरूम मसाला बनाने के लिए अपने को जो चीज़ें लगने वाली हैं पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये दो मीडियम प्याज को रफली चॉप कर लिया है, दो बड़े टमाटर को मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, 4 चम्मच होगा, 10 से 12 काजू है, 5-6 कली लहसुन है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 1 तेज पत्ता है जिसको कि मैंने तोड़ लिया है, और 2 इलायची है। ये बटर मशरूम मसाला है इसलिए यहाँ पे ये मैंने बटर लिया है। ये सारी इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक पेस्ट तैयार करेंगे। सूखे मसालों में जो चाहिए वह यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/4 चम्मच हल्दी है और 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है और ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये 200 ग्राम मशरूम है। सबसे पहले पैन में थोड़ा बटर डाल के मशरूम को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी स्प्रिंकल कर देंगे। बटर के साथ थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे। सेम पैन में थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे, इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे, इलायची भी ऐड कर दिया है, इसमें ये टोमेटो ऐड कर देंगे, अदरक, ये काजू भी ऐड कर देंगे। टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसको कुक कर लेना है। थोड़ा नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करने से टमाटर और प्याज दोनों जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको ढक देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है जिससे कि काजू भी थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और एकदम क्रीमी पेस्ट बने। ये मसालों को चेक कर लेते हैं। टमाटर प्याज सब बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तेज पत्ता को निकाल देंगे, इसका फ्लेवर आ चुका है, और बाकी मसालों को पीस के पेस्ट बना लेंगे। पैन में बटर को मेल्ट करेंगे, इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे, उसके बाद ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर देंगे जिससे कि एक बहुत अच्छा सा कलर इस ग्रेवी को आएगा। फिर इसमें ये जो मसालों का पेस्ट था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो पॉट में मसाले लगे थे उसको धो के डाल देंगे। अभी इसमें थोड़ी सी हल्दी और ये लाल मिर्च ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से कुक कर लेना है। आंच को सिम करके 2 से 3 मिनट तक इस मसाले को ढक के कुक होने देंगे। दो मिनट हो गए हैं और ये देखिए ऑयल इधर से सेपरेट होना शुरू हो गया है, मसाले कुक हो गए हैं और ये पैन को भी छोड़ दे रहे हैं। अब इस स्टेज पे इसमें मशरूम को ऐड कर देंगे। ये मशरूम मैंने जो फ्राई करके रखा था अब उसको ऐड कर देंगे। मशरूम को मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी स्टेज पे इसमें ये गरम मसाला और ये कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे। मशरूम और मसाले भी एक दूसरे के साथ फ्राई हो गए। देखिए सारा ऑयल इधर से सेपरेट होने शुरू हो गए हैं।
अब इसी स्टेज पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा नमक ऐड कर देंगे क्योंकि नमक हमने सिर्फ मसाला बनाते समय प्याज को गलाने के लिए यूज किया था, तो थोड़ा नमक ऐड कर देंगे और ये फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम आप अपने टेस्ट के अनुसार जितना यूज करना चाहें उतना यूज करिए। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच यूज किया है। मशरूम बटर मसाला है तो थोड़ा ये रिची रखते हैं इसको। अब इसको ढक के 5 मिनट कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा ये मशरूम बटर मसाला बनके तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना टेम्पटिंग बन के ये तैयार हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए मशरूम बटर मसाला को मैंने डिश आउट कर लिया है, इसको थोड़ी सी गार्निश भी कर दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी जरा से भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस रेसिपी को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।